राजस्थान सरकार की ओर से लगवाए जा रहे फॉलो अप शिविरों में लोग नहीं पहुंच रहे, जिसकी वजह से यह शिविर लगाने का सरकार को कोई फायदा होता नहीं दिख रहा। ब्लॉक गोविंदगढ़ के नसवारी में आज प्रशासन गांव के संघ अभियान के तहत फॉलो अप शिविर लगा, जिसमें भीषण गर्मी की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकले और उन्होंने अपनी कोई भी समस्या का समाधान इस कैंप में करवाना जरूरी नहीं समझा, जबकि प्रशासन की ओर से यह कैंप लोगों को गांव स्तर पर सारी प्रशासनिक सुविधाएं मिल सके इसके लिए लगाए जा रहे हैं, लेकिन जनता का रुझान कैंपों में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। एक और सरकार ने गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया हुआ है और तापमान 46 डिग्री के आसपास बना हुआ है। सरकार ने ऐसे में घर से बाहर नहीं निकलने की चेतावनी भी दे रखी है। उसके बाद भी इन कैंपों में सरकारी अधिकारियों को इस भीषण गर्मी में कैंप लगवाने को मजबूर होना पड़ रहा है। इससे पहले गोविंदगढ़ ब्लॉक में भी प्रशासन गांव शिविर अभियान के तहत फॉलो अप शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें भी जनता ने बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाई। राजस्थान सरकार प्रदेश की जनता को ग्राम पंचायत स्तर पर ही प्रशासनिक सेवाएं देना चाह रही है, इसी के कारण सभी ग्राम पंचायतों में प्रशासन गांव संघ अभियान का शिविर पहले ही लगा चुकी है, लेकिन अब जनता के कोई और काम बाकी रह गए हों उनके लिए फॉलो अप शिविर प्रदेश सरकार की ओर से लगाए जा रहे हैं, जिनमें भीषण गर्मी की वजह से क्षेत्र की जनता रुचि नहीं दिखा रही और सरकार के लाखों रुपए यूं ही बर्बाद हो रहे हैं। सर, जो आज यहाँ कैंप आयोजित हुआ है ग्राम पंचायत नसवारी में यहाँ पे, और देखने को मिल रहा है कि 45 डिग्री टेम्परेचर में अधिकारी तो हैं, लेकिन ग्रामीणों की संख्या बहुत कम रही, तो क्या उपयोग करें सर कैंप की? जी बिल्कुल, मेनली जो फॉलो अप कैंप के दौरान पिछले कैंपों में जो समस्याएं शेष रह गई थी, निष्पादन नहीं हो पाया, तो एक इनकी संख्या काफी कम थी, इस वजह से भी हो सकता है। दूसरे का गर्मी को देखते हुए लोग कम रुझान रहा है, फिर भी हम यहाँ प्रयास करेंगे कि शाम के समय भी 5 बजे 4:30 बजे कोई आता है, उस दौरान भी उनकी समस्याओं का समाधान।